प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत कम एमसीक्यू देखे थे, इसलिए आगे लेक्चर देखते हैं। 9.8 ग्राम H2SO4 इट डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। व्हाट इज इट्स नॉर्मालिटी? तो हमने काफ़ी सम किए इसके। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन 1000 मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। तो इसमें खाली वैल्यू रख देना है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का वेट 9.8 है, यहाँ सॉल्यूट आएगा। सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट याद रखना है आपको बच्चों, 9.8 और 1000 लगा दिया, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का 49 आएगा और 500 ml सॉल्यूशन है। इसके कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा। ओके, तो ये 7 नंबर का एमसीक्यू है। 8 नंबर का देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कौन सी वस्तु चेंज नहीं होती है? मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी अथवा मोलालिटी। तो इसमें याद रखना है आपको, मोलालिटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, तो मोलालिटी कभी चेंज होती नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वट विल बी द वैल्यू ऑफ मोलालिटी एक्वायर सोल्यूशन 10% W/WNH सोल्यूशन हो तो उसकी मोलालिटी क्या होगी? चार ऑप्शन दिए। तो 10% सोल्यूशन का मतलब बच्चों उसमें 10 ग्राम NH होगा और 90 ग्राम वाटर होगा। ओके, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता ही। तो इस फॉर्मूला में आपको वेट रख देना जो 10 ग्राम सोल्यूट है। ओके, और मोलर मास NH का कितना होगा? 40 होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? ये 90। इसकी सबकी वैल्यू रख दी तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में। ओके, तो इसका ये इस तरह आपका 9 नंबर का एमसीक्यू होगा। 10 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें याद रखना है ∆H और ∆V दोनों की वैल्यू जीरो होती है। मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देता हूँ। गुजरात बोर्ड 2030 में एमसीक्यू पूछा गया था, बाकी के 3 रॉन्ग एम्स आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर बता दूँ। ∆H और ∆U दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। विच क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज मोर यूजफुल डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ सब सब्सटेंस लाइक प्रोटीन और पॉलीमर की बात है तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर काम आता है। क्या आता है उसके लिए? वेपर प्रेशर, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट काम देता है। उसमें क्या सबसे पहले ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है उसके लिए? डीजे गुजर गुजकर 2015 में पूछा गया, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर यूजफुल डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट के लिए और सब्सटेंस लाइक प्रोटीन और पॉलीमर सबके लिए ऑस्मेटिक प्रेशर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वस्तु है। ये आपको याद रखना, गुजकर में ये पूछा गया था। टू वॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेन ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बराबर, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन के लिए प्रोपोर्शनल में क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। इसे याद रखना, फॉर्मूला में देख के आपको पता चलेगा क्या देगा, मोल फ्रैक्शन आएगा। बाकी के 3 ऑप्शन रॉन्ग है। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट आएगा, ये भी गुजरात बोर्ड 2010 में पूछा गया है। हुज एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट विल बी सेम एज 0.1 मोलर KNO3। तो अब याद रखना है 0.1 मोलर KNO3 में सेम लगाना KNO3। तो K प्लस NO3 माइनस, दो आयन इसमें 1 और 1 प्लस। तो उस तरह पोटेशियम सल्फेट, यूरिया, NaCl और एल्युमिनियम नाइट्रेट इन तीनों में दो आयन वाला क्या है? 0.1 नॉर्मल NaCl है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.1 नॉर्मल मोलर NaCl, क्योंकि NaCl में भी दो आयन और KNO3 में भी 2 आयन इसीलिए है। ओके, विच लॉ एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? सॉल्यूशन हैविंग आइडेंटिकल वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोसेस आइडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल वॉन्ट ऑफ नहीं लगेगा, राउट नहीं लगेगा, हेनरी नहीं लगेगा। इसमें क्या एवोगाड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ लगने वाला है। 2009 में पूछा गया था ऑस्मोटिक प्रेशर में
एवोगन टू वन टॉप लो लगता है। याद रखना बच्चों, फिर से देख लो सम, विच लॉ एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉल्यूशन हैविंग आइडेंटिकल वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोसेस ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें एवोगैड्रो का लॉ लगने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइसोटोनिक, आइसोटोनिक नॉर्मल टेम्परेचर में, याद रखना बच्चों आइसोटोनिक में क्या होता है, इसमें भी नॉर्मेलिटी सेम होती है, जैसे 0.0.1 सेम है, परंतु उसके आयन भी सेम होते हैं। तो इसमें आयन में देखो BaNO3 ट्वाइस, तो Ba के दो आयन, NO3 के, तो थ्री आयन्स, और इसमें Na प्लस SO4 टू, इसके थ्री आयन्स, दोनों के नॉर्मल होने के कारण बाकी सब में सेम होते, चेक कर लो सेम नहीं है, खाली इसमें सेम है। इसीलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑप्शन आएगा 0.1 नॉर्मल मोलर BaN3 ट्वाइस और Na2SO4 आएगा। ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो गुजकट में भी ये IMP MCQ पूछा जा सकता है बच्चों। तो बच्चों इस तरह ये 15 MCQ मोस्ट IMP MCQ है, और एक बार फिर से इनका सबका MCQ का रिवीजन कर लेते हैं आप, बराबर। तो होमोजीनियस मिक्सचर कैम्फोर इन N2, तो कैम्फोर कपूर होता है जो सॉलिड होता है, और N2 क्या होता है, गैस होता है, तो सॉलिड सॉल्यूट और गैस सॉल्यूट होगा, ओके। कैम्फोर सॉलिड होगा, N2 गैस, और कैम्फोर क्या है, सॉल्यूट है, और N2 क्या है, सॉल्वेंट है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरस्टीशियल सॉलिड, इंटरस्टीशियल सॉलिड में हमेशा टंगस्टन कार्बाइड ही आता है, इंटरस्टीशियल जो बीच में जगह रह गई है उसमें सेट होता है, तो टंगस्टन कार्बाइड आएगा। वॉट आर द मोलिकुलर फॉर्मूला पोटेशियम, तो पोटेशियम के दो टाइप के फॉर्मूला होते हैं बच्चों। सबसे पहले एक उसका फॉर्मूला देखा जाता है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, और उसका फॉर्मूला मास प्रोपोर्शनली देखा जाए तो KAlSO4 ट्वाइस और 12H2 आएगा। तो इन दोनों का मोलर मास देखा जाए, इसका 9.48 आता है, इसका 4.74 आता है। एग्जाम में पूछा जाएगा इन दोनों का कि मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास क्या है, तो क्या आएगा 948, दूसरे का क्या आएगा 474 आएगा। खास देख लीजिए उसका, आपको दोनों के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और दोनों को कैलकुलेशन आप करके इजीली आंसर ला सकते हो। व्हाट इज नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, मोलारिटी दी है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, खाली मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इक्वेलेंट वेट अपॉन मोलर मास, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके मोलारिटी की वैल्यू रख दी, और इक्वेलेंट वेट H3PO4 का मोलर मास होगा 82, और इक्वेलेंट वेट उसका हाफ हो जाएगा 41, बस वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद आपको कैलकुलेशन ही करना है खाली, ओके। आगे देखते हैं, वॉट इज नॉर्मलिटी ऑफ वैसा का वैसे सब में सेम टू सेम फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे खाली H2SO4 है, तो H2SO4 का मोलर मास 98 है, और इक्विलेंट वेट उसका 0.2 कर देना है, बराबर, और कैलकुलेशन कर देना है बस। 6 नंबर का देख लेते हैं, वॉट विल बी नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑप्टेनिंग, दो प्रकार के दो सोल्यूशन है, एक दोनों H2SO4 के, एक में 4 ml लिया है उसकी मोलारिटी 0.05 है, और एक में 6 ml है और 0.3 molar है, बराबर। तो ये V1 M1 V1 M2 V2, बराबर, तो फॉर्मूला लगा दिया M3 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, खाली वैल्यू रख देने की है, वैल्यू रख के आपको कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.2 molar, ओके। फिर से नॉर्मलिटी वाला समय वही वाला फॉर्मूला लगाना है, इफ 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, व्हाट इज इट्स नॉर्मलिटी,
इसको जो खास याद रखना है 15 MCQ गुजरात बोर्ड में अथवा गुजकेट में पूछे जा चुके हैं। एक भी MCQ ऐसा नहीं है जो बोर्ड में ना पूछा है अथवा गुजकेट में, बरा गुजकेट अथवा बोर्ड दोनों में से एक में पूछा है। खास MCQ ध्यान रखना, नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 मल्टीप्लाई करना है इक्वेलेंट वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इसमें क्या है कि आपको वैल्यू रख देनी है, वैल्यू रखने से आपका आंसर आ जाएगा। ये भी हल चलाए थे, फिर से इनका रिवीजन कर रहा हूँ कि टेम्परेचर के साथ कौन सी वस्तु बदलती नहीं है। मोलारिटी नॉर्मलिटी फॉर्मलिटी चेंज हो जाती है परंतु मोलारिटी चेंज होती नहीं है। फिर देख लेते हैं कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मोलारिटी इन एक्वास 10% WW इन एच का सोल्यूशन है। तो इसका मतलब 10% उसका 10 ग्राम उसका सोल्यूट होगा और बाकी का 90 ग्राम उसका सोलवेंट होगा। उसको आप इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू रख देनी है। आपको फॉर्मूला खास पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा वैल्यू रख दोगे तो आपको आ जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको पता डेल्टा एच और डेल्टा वी 0 होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मोर यूजफुल डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रोटीन और पॉलीमर। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसमें यूजफुल मोर होती है, कॉस्मेटिक प्रेशर में ज़्यादा यूज होती है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन में यूज नहीं होती है, कॉस्मेटिक प्रेशर में यूज होती है। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल में, राउल्ट्स के लोग आपको पता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ही यूज होता है, प्रोपोर्शनल आपको पता है। हूज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 0.1 मोलर की एन होती है। 0.1 मोलर तो 0.1 मोलर चारों चार में ही है और के एन थ्री में 2 आए, के प्लस एन थ्री माइनस, तो एन ए प्लस और सी एन माइनस 2 आयन वाले, ये सेम टू सेम मैच होता है। इसलिए विच लॉ एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सॉल्यूशन हैविंग आइडेंटिकल वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोसेस आइडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें कौन सा लॉ यूज होता है, एवोगाड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन नॉर्मल में, आपको आइसोटोनिक में क्या होता है कि नॉर्मलिटी तो सेम होनी चाहिए, मोलरिटी सेम ही है देखो, परंतु उसके साथ आयन जैसे इस चेक कर लो बी ए टू प्लस एन थ्री माइनस 3 आयन होते हैं और एन ए प्लस एस ओ फोर 2 3, तो इस सब में आयन मैच नहीं होंगे पर इसमें मैच हो रहा है इसलिए ये आंसर आएगा। ये बोर्ड में और गुजकट में पूछा जाता है बच्चों, मोस्ट टाइम पे MCQ बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर इससे पहले के जो प्रीवियस लेक्चर में 6 MCQ हो पाए थे, इस लेक्चर में आगे 9 MCQ है और वो 6 MCQ रिवीजन भी किया है, छोटा सा लेक्चर है तो आप देख लेना दोनों लेक्चर। और ये 15 MCQ है और कल के लिए सूचना है। देखो बच्चों कल चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का शाम को 5 बजे टेस्ट है और कल चैप्टर नंबर 3 के MCQ आपको मैं सेंड करने वाला हूँ मॉर्निंग में, वो देख लेना आप। और चैप्टर 1, 2, 3 के MCQ 15 मार्क्स के होंगे। मैं आपको कल के पेपर की स्टाइल में कल किस तरह एग्जाम लेने वाले हैं हम लोग वो बता देता हूँ। कल 40 मार्क्स का पेपर होगा, होंगे और 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 9 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं उसको, और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये भी लॉन्ग ही ऐसे 3 मार्क्स वाले भी। तो इस तरह हम लोग 40 मार्क्स के कल एग्जाम लेने वाले हैं बरा। इन 3 मार्क्स में मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा और 4 मार्क्स में भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा बरा। 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 के 2 के और 3 के होंगे, चैप्टर नंबर ये 4 मार्क्स में भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 होंगे। ओके, तो आपका सिलेबस कल रहेगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, तो खास ये आप कल तैयार कर लेना। ओके, और कोई कन्फ्यूजन आप तो मुझे रिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।